चुनाव आयोग आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा। आयोग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा करेगा। सूत्रों के मुताबिक दो चरण में मतदान कराए जा सकते हैं। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों के साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आ सकते हैं। वहीं चुनाव तारीख के ऐलान से पहले गुजरात में बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हो रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा समेत तेलंगाना शामिल हैं। इन राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ये उपचुनाव बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद पहली बार राज्य में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेशी होनी है। ईडी ने उन्हें अवैध खनन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं बुधवार को यूपीए की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि सीएम सोरेन ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे और ये उनके कार्यक्रम से पहले ही तय है। बैठक के बाद सत्ताधारी दल ने सीएम को भेजे गए ईडी के समन को राजनीतिक समन बताया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सीएम कोई खिलौना नहीं है जो किसी के बुलावे पर चले जाए। सीएम ईडी के मामले में कानूनी सलाह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पंजाब के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी शनिवार को ब्यास में राधा स्वामी सत्संग जाएंगे। डेरे की यात्रा के बाद पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शनिवार को दोपहर 1 बजे हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर में जनसभा होगी। वहीं 3 बजे के करीब सोलन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव कराए जाने हैं, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में एक और नए मंत्री शामिल हो गए हैं। राजकुमार आनंद ने दिल्ली के नए मंत्री के रूप में आज शपथ। राजनिवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में एलजी विनय सक्सेना ने राजकुमार आनंद को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। दरअसल इससे पहले एक कार्यक्रम में धर्मांतरण पर हुए विवाद के बाद राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में राजकुमार आनंद को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। दिल्ली में आज और दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे कोहरे की चादर फैली हो, लेकिन असलियत में ये दम घुटू पॉल्यूशन है। दिल्ली में आज का औसतन AQI 408 है। दिल्ली में सभी इलाके रेड जोन में है। 24 इलाकों का AQI 400 के पार जा चुका है, जिसका मतलब है सभी प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में है। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत भी बढ़ गई है। यूपी के कुशीनगर में जिला अस्पताल में जबरदस्त लापरवाही सामने आई है। हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल के कर्मचारियों ने फर्श पर लिटा दिया। तस्वीर में देख सकते हैं कि मरीज के पास कुत्ता घूम रहा है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी गायब हैं। इमरजेंसी में भी कोई स्टाफ नहीं दिख रहा। जमीन पे पड़े शख्स की हालत बेहद नाजुक है। दरअसल रात में स्वास्थ्य कर्मियों की बजाय अस्पताल में कुत्ते टहल रहे हैं। डीआरडीओ ने बुधवार को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंस्पेक्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। दरअसल AD-1 लंबी दूरी की इंस्पेक्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हवाई जहाजों से कम एक्सो वायुमंडलीय और एक्सो वायुमंडलीय अवरोधन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये लक्ष्य तक सटीक रूप से निशाना साधने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है। बिहार के किशनगंज में नेपाल बॉर्डर पर SSB की 41वीं बटालियन के जवान और स्थानीय पुलिस के साझा ऑपरेशन में भारत सीमा पे नेपाल जा रही एक संदिग्ध पाकिस्तानी महिला को पकड़ लिया गया है। SSB के जवानों ने पाकिस्तानी महिला को पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि महिला पहले पाकिस्तानी थी और अब अमेरिका की नागरिकता हासिल कर चुकी है। महिला के वीजा की समय सीमा खत्म होने की वजह से उसे पकड़ लिया गया। वहीं मामले की जानकारी कोलकाता स्थित US दूतावास भी भेज दी गई है।
यूपी के एटा में बीती रात चोरों ने एक बैंक के एटीएम को गैस कटर से काट डाला, साथ ही उसमें रखा करीब 26 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इसकी जानकारी तब हुई जब एक शख्स पैसे निकालने पहुंचा। इसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल कर बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।